हेलो एवरीवन, आई एम अनुज, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम, लेट्स डू टुगेदर। तो यहाँ पे मैं आज आपको क्वांट की कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ, क्वांट रीजनिंग जो भी हम लोग एनालाइज करेंगे यहाँ पे, जो मैंने अभी मॉक टेस्ट दिया है रिसेंटली, उसकी मैंने वीडियो डाल भी दी है, आप लोग जाके चाहो तो वहाँ जाके देख सकते हो। यहाँ पे आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा आपको, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। ये तो लेटेस्ट वीडियो है, आप लोग जाके देख सकते हो। मैंने IBPS क्लर्क का एक लाइव मॉक टेस्ट दिया था जिसमें मेरे 77 मार्क्स आए हैं, आप देखो तो यहाँ पे सामने स्कोर है 96% है, अच्छी परसेंट है, 95 के ऊपर मैं अच्छी मानता हूँ। एक्यूरेसी 90% है, वो मेरे लिए इनफ है क्योंकि एक्यूरेसी मेरी काफ़ी गड़बड़ जाएगी क्योंकि इसमें इंग्लिश भी इन्वॉल्व है। तो मार्क्स देख सकते हो आपको यहाँ पे, मार्क्स मतलब गलतियाँ मैंने काफ़ी कर दी हैं, और क्वांट में भी काफ़ी मैंने कम अटैम्प्ट करा था, क्वांट में परसेंटाइल भी 89 है, यहाँ पे मैं 94 रहा था, रीजनिंग में ठीक ठाक है, लेकिन रीजनिंग में दो गलती कर दी है, बिल्कुल कह सकते हो आप एकदम रुकी मिस्टेक है वो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आज एनालिसिस करेंगे और देखते हैं कि हम आप क्या सीख पाते हो यहाँ पे, और मैं भी दोबारा से क्या सीख पाता हूँ क्योंकि इनके सॉल्यूशन भी देखता रहूंगा मैं, है ना। तो चलते हैं हम लोग इनका सॉल्यूशन देखते हैं। ये रहा सॉल्यूशन, मैंने खोल रखा था। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं, मैंने क्या करा है ना, मैंने यहाँ पे क्या करा है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना था और मैंने कैसे सॉल्व करा है, इनका सॉल्यूशन देख लेते हैं पहले, या फिर आप पहले पहले मेरा सॉल्यूशन देखोगे। ठीक, पहले मेरा देख लो, है ना। क्या बोल रखा है यहाँ पे, वैन आइटम, आप इसे अर्थमेटिक की क्लास मान सकते हो, क्वांट की पूरी इसमें ट्रिक्स बताऊंगा, है ना, और कैसे मैं सॉल्व करता हूँ, अब कैसे मैं क्वेश्चन को पिक करता हूँ, उसको मेरा क्या नजरिया होता है अप्रोच करने का क्वेश्चन को। तो इसमें बोल रखा है जो व्हेन द आइटम इज सोल्ड, एक सेकंड रुकिए जरा, मैं इसको ठीक है, आपको पूरा दिखेगा यह क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे मैं ये पूरी इसकी वीडियो लगा दूंगा ताकि आपको पूरा अच्छे से दिखता भी रहे। क्या बोल रखा है उसने, व्हेन आइटम सोल्ड एज 304 पे उसने सोल्ड कर दिया आइटम, ठीक है, उसे लॉस हुआ है। जैसे उसे लॉस होगा आप समझ लो सीपी यहीं पे कहीं पे है, लॉस मतलब हम लोग इधर जाएंगे, नेगेटिव इधर होगा पॉजिटिव इधर होगा हमेशा, ठीक है। एक सीपी यहाँ पे कहीं पे था, उसको लॉस हुआ है 20% का लॉस हुआ है, तो मतलब यहाँ पे कोई 100 की चीज थी, उसे 80 में उसने बेच दी है, लॉस हुआ है उसे, तो हमको सीपी निकल आएगा उसका 300 उसका सीपी निकल आएगा, है ना, यहाँ तक तो पहुंच गया। क्या बोल रखा है उसने, फिर प्रॉफिट भी बेचा उस चीज़ को, उसने प्रॉफिट भी बेचा है, प्रॉफिट मतलब फिर नया जो चीज़ होगी प्लस यहाँ पे आ जाएगी प्रॉफिट में, उसने बेचा है 15% प्रॉफिट बेचा है, ठीक है, 15% प्रॉफिट बेचा है, और आपको प्रॉफिट का रेट बताना है, तो इसका 15% निकाल दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, 304/8 × 10 × 15 करोगे आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन मेरा पार्ट नहीं है, कैलकुलेशन आप ही को करना पड़ेगा, ठीक है, जहाँ पर कैलकुलेशन की नीड होगी मैं सिर्फ वहाँ बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एग्जैक्ट आंसर ही आना है और कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसे हो जाएगा, 4 किलोमीटर 4×7 = 4×2 = 4×6 और ये हो जाएगा 38 3, और इसका 15% निकाल दोगे, 15 मतलब 45 और 8 मतलब 120 57 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैंने बोला मैं नहीं करूँगा, लेकिन मैंने कर दिया आपके सामने दिखाने के लिए कि हाँ भाई आंसर आया है, 57 आंसर आ गया, आपने प्रोसेस समझ लिया। इसके आगे मैं कुछ नहीं बताऊंगा, बाकी आपके बेसिक क्लियर होने चाहिए, अगर आप यहाँ पे वीडियो देखने आए हो, नहीं बेसिक क्लियर तो आप पहले जाके बेसिक क्लियर करिए, मैं कोई टीचर नहीं हूँ यहाँ पे, सिर्फ मैं एस्पिरेंट हूँ, जैसे मैं एग्जाम देता हूँ मैं सिर्फ आपको वैसे ही बता पाऊंगा, है ना, इसके पीछे का रीजन नहीं बता पाऊंगा, इसके ये कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है, जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ मैं वही बता पाऊंगा, तो आप वो सीख सकते हैं यहाँ पे, है ना, जो मेरा देखने का नजरिया है। अब इस क्वेश्चन में आते हैं, इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा था उसने, जो क्यू है वो 8 ईयर एल्डर है पी से, एल्डर मतलब बड़ा है, तो बड़ा मतलब यहाँ पे ले लेते हैं, मैं क्यों इधर पॉजिटिव में ले रहा हूँ या फिर इस साइड ले लो कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव मैंने इधर बताया था इधर ले लेते हैं, पी से क्यू गए 8 साल, ठीक। फिर क्या बोल रखा है, जो क्यू है वो 8 साल यंगर है आर से, तो 8 इधर ही होगा, है ना, ये सब प्लस में, ये सब ऐसे जा रहा है ना, ये इधर वाला ग्रेटर है इधर वाला स्मॉलर है, तो उसके बाद बोल रखा है रेशियो दे रखा है पी और आर का, दे रखा है पी और आर का रेशियो दे रखा है 7 और 11, ठीक, ये रेशियो दे रखा है, इनके बीच का डिफरेंस दे रखा है, एज का आपको दिख जाएगा 16 डिफरेंस आ गया, रेशियो में डिफरेंस कितना है 4 का, ये एक्चुअल एज है, ये 4 का रेशियो में है एक्स में, है ना, तो 4 की टेबल से काटा तो कटेगा 4 एक्स की वैल्यू 4 आ गई, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 22 हो जाएगा, यहाँ से 44 हो जाएगा। अब आपसे अब क्यू की वैल्यू पूछेगा तो क्यू निकाल लोगे ना 28 में, तो या तो 8 प्लस कर लो या फिर 44 में -8 कर दो, इसमें प्लस करा तो ये 36 हो गया, ठीक। अब क्वेश्चन में बोला है कि क्यू की एज बतानी है आपको 4 साल बाद, तो 36 में 4 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 40, तो 40 एज आ गई, ऐसे करके क्वेश्चन करना था। मैंने वीडियो में भी यही सब बताया है, लेकिन इतना ब्रीफ में नहीं बता रहा, ब्रीफ में नहीं बताया क्योंकि वहाँ पे मैं लाइव मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहा था, अब यहाँ पे मैं एकदम ब्रीफ 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 में बताऊंगा कि कैसे मैंने सॉल्व करा है, ठीक है।
अब ये देखो, जोड़ घटाना है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। लोग कहते हैं कि हाँ भाई मेरी स्पीड कम आ रही है। स्पीड कैसे कम आ रही है? क्योंकि इनकी प्रैक्टिस इनफ नहीं होती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ लोग प्रैक्टिस करते नहीं है, लेकिन इनफ नहीं होती है एग्जाम के लिए, है ना? ये आप समझा करो, मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वही एक जो चीज़ है जो प्रैक्टिस से आती है वो प्रैक्टिस से ही आएगी, और कोई चारा नहीं है। तो इसमें क्या करना था, इसमें मैंने बताया भी था 585। अब इसमें प्लस वाली जितनी चीज़ें सब इधर ले आओ, माइनस वाली जितनी चीज़ें उधर ले आओ, ठीक है? उसके बाद सॉल्व करोगे तो जल्दी हो जाएगा। तो कितना था, 585 था, इसमें कितना प्लस करना था, 7704 प्लस करना था, इधर कितना था 120 था, इधर 676 ऐड करना था। ये चीज़ आप माइंड में भी कर सकते हो कि हाँ 6 उतार लिया, यहाँ पे 7 उतार लिया, यहाँ पे 7 उतार लिया, ये चीज़ भी 9 8 ये 12, इसमें से इसे माइनस कर दोगे, माइनस करोगे तो कितना जाएगा 776 माइनस करोगे, उसके बाद 725 में से भी जो चीज़ आएगी वो भी माइनस कर दोगे, तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा नहीं पूरा, एकदम करके नहीं बताऊंगा, इस बार तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा, ठीक? ये चीज़ आपको खुद करनी पड़ेगी, लेकिन मैं एक तरीका बता रहा हूँ कि सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है। ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, PDF है ना, 100 क्वेश्चन होते हैं उसमें, सिंप्लीफिकेशन के 100 क्वेश्चन होते हैं, अलग अलग तरीके से होते हैं, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएंगे, मेरे ग्रुप पर मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पर फाइल्स में जाना, ठीक है? उसमें सबसे लास्ट में स्क्रॉल कर जाना, वहाँ पे 100 क्वेश्चन PDF ऐसा करके लिखा होगा, 100 क्वेश्चन अर्थमेटिक, 100 क्वेश्चन DI के, 100 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के, इनक्वालिटीज के, पजल्स के, सब 100 क्वेश्चन होगा। 100 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन उठा लो, 20 मिनट टाइमर लगा लो, ठीक है? कोई गाना लगा लो 20 मिनट का, है ना, लूप में चला लो और सॉल्व करो। 100 क्वेश्चन आपके होने चाहिए 20 मिनट के अंदर, ये मैंने करा है इसलिए बता रहा हूँ, 20 मिनट में हो सकते हैं, बहुत आसानी से हो सकते हैं, ठीक है? आप एवरेज निकालो तो भी अच्छा खासा एवरेज बैठ जाएगा, इसमें 60 भी मल्टीप्लाई करना है, सेकंड भी होता है ना, ठीक है? ये भी आ गया सिंप्लीफिकेशन। अब मैं सिंप्लीफिकेशन ज्यादा बताऊंगा नहीं यहाँ पे, बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन वाला काम करना था यहाँ पे, और कुछ करना नहीं है यहाँ पे। देख सकते हो बस ये कि 525 था यहाँ पे और 5 पॉइंट पे था, पॉइंट वॉइंट कुछ नहीं करा था मैंने, देखा डिवाइड बाय एक्स था 189 था। अब यहाँ पे साफ से दिख रहा है यहाँ पे कुछ ना कुछ डिविजिबल होगा, नहीं दिख रहा है तो भी डिविजिबल होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 5 का टेबल दिख रहा है, 5 का टेबल ये तो है नहीं, है ना, लेकिन ये चीज पक्का डिविजिबल होगी, कुछ ना कुछ करके डिविजिबल ही होना, क्योंकि तभी आंसर आना है, क्योंकि आंसर सारे यहाँ पे नंबर दिख रहे हैं, नेचुरल नंबर। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो ये 9 का मल्टीपल दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, क्योंकि 18 9 है, सम करोगे तो भी 9 9 आ रहा है, मतलब यूनिट सम करोगे तो भी 9 आएगा, यहाँ पे भी 9 आएगा, यहाँ पे भी 9 आ गया, 9 आएगा, इसका सम करोगे तो 18, फिर उसका सम करोगे तो 9 9 आना है, तो मतलब 9 से डिवाइड होगा। ये भी देखो 5 4 9, तो ये इससे पूरा डिविजिबल हो जाएगा, फिर जो आएगा इससे मल्टीप्लाई कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? ये भी ऐसी है, आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, ठीक है? मुंह जवानी याद होनी चाहिए, कम से कम 40 तक तो आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, 40 के ऊपर। देखो स्क्वायर की मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, है ना, स्क्वायर निकालने का एक ट्रिक बता देता हूँ। अगर यहाँ पे देखो पहली बात तो 5 वाले देख लो, 5 वाले बहुत आसान होते हैं, है ना, 15 या 5 25, ये सबको आपको पता होगा, 625 2225, है ना, लेकिन उसके ऊपर का बता रहा हूँ मैं, 35 का स्क्वायर निकालना है तो कितना आसान होता है निकालना, 5 है 25 पढ़ दो, 5 का 25 पढ़ दो, ठीक, 3 दे रखा है ना, एक नंबर बड़ा प्लस एक नंबर बड़ा 4, इनका मल्टीप्लाई कर दो 1225, कैलकुलेटर में निकाल के देख लो ये आंसर आएगा, 45 का देख लो, 45 5 4 5 20, 55 का 25 30, 65 25 6 7 42, ऐसी 75 का निकालोगे तो 7 8 56 25, ये आएंगे, ये स्क्वायर है, ये आएंगे, ये सब ट्रिक्स हैं, ठीक है? निकालने की सब ट्रिक्स हैं, ये आएंगे। और अब कैसे निकालना चाहिए स्क्वायर, है ना, मल्टीप्लाई करोगे तो देखो काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन जैसे 76 का स्क्वायर निकालना है ना, कैसे निकालोगे स्क्वायर को, ऐसे लिखते हो, है ना, क्या करोगे आप, 76 कितना होता है, 42 होता है, पहले इसकी मल्टीप्लाई करो, 76 42 होता है, 42 का फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, जितने भी यहाँ संख्या लिखी है सबकी मल्टीप्लाई कर दो आपस में, कितना आएगा 84 आएगा, ठीक है? अब 84 को एकदम बीचों बीच में लिखना है, ठीक, यहाँ पर यूनिट डिजिट होनी चाहिए 0, फिर यहाँ पे कोई अंक, यहाँ पे कोई अंक, फिर ऐसे अंक अंक बढ़ जाएंगे, यहाँ पे बस एक्स होना चाहिए, यहाँ पे डिजिट लिखनी है आपको, क्या डिजिट लिखनी है, 6 का स्क्वायर लिखना है 36, 7 का स्क्वायर लिखना है 49, ठीक, प्लस कर दो 6 7 17 5 5 7 7 6, यही आपका स्क्वायर होगा 76 का, ठीक है? नाम को छोटा देख लो, क्योंकि इसको आप कैलकुलेट करोगे टाइम लगेगा, मैं छोटा सा दिखा देता हूँ आपको, है ना, 24 का दिखा देता हूँ, जो इसमें दे रखा है ना, 24 का स्क्वायर है, 24 का स्क्वायर, सिर्फ बता रहा हूँ ये आपको याद होना चाहिए, 24 याद होना चाहिए, 576 होता है 24, है ना, 23 529, है ना, ये सब याद होना चाहिए, 4 2 8 2 16, ठीक, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 1 4, 0 4, है ना, 0 लगा दो, है ना, 0 ना लगा दो तो भी 4 ऐसे लिखना पड़ेगा, 6 उतारा 7 उतारा 5 उतारा,
आ गया, वही चीज है, वही ट्रिक है। ऐसे करके स्क्वायर निकाल सकते हो आप, जल्दी निकाल सकते हो, नहीं तो आपको 1 से लेकर 40 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। क्यूब 1 से लेकर 20 तक याद कर लो, बहुत होना इनफ है। बाकी टेबल देखो याद हो जाएंगी, तो टेंशन मत लो, जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे टेबल याद हो जाएंगी, टेबल की चिंता मत करो। ऐसा मत करो कि हाँ 1 से लेकर 30 तक टेबल याद कर रहे हो रोज, ना 19 × 3 करोगे तो 70 आएगा। ये ऐसा करके याद हो जाएगा, चीजें आएंगी याद हो जाएगा, है ना, चीजें ऐसा करके आती जाएंगी, आपको याद होता जाएगा। जब आप कंटिन्यूसली करोगे तो याद हो जाएगा, 18 × 15 करोगे 180 आएगा, चीजें करते रहोगे याद हो जाएगा। 18 की टेबल जल्दी याद हो जाएगी, मतलब सबसे तेज आपको 18 की टेबल याद होगी। आगे क्या दे रखा है, सिंप्लीफिकेशन और दे रखा है, सिंप्लीफिकेशन नहीं बताऊंगा मैं यहाँ पे। हाँ ये चीज आप देख सकते हो, ये चीज बताने लायक है। अभी इसको मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, जब यहाँ पे आते हैं हम लोग, जब परसेंटेज में भी चीज दे रखी है तो मैंने इसको कैसे सॉल्व करा था, अगर आपने देखा होगा 24 सेकंड के अंदर सॉल्व कर दिया, टॉपर से भी तेज कर सॉल्व करा है। कैसे सॉल्व करा है वो आपको बताता हूँ मैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे दे रखा है परसेंटेज 45, 5 टर्म्स है ना, 5 टर्म्स में जितने भी 5 डिवीजन होंगे वो परसेंटेज दे रखा है विद इवन नंबर। ध्यान रखना क्या बोल रहा हूँ, इवन नंबर दे रखा है। इवन नंबर जैसे हो गया तो ये लिख रखा है 320। अब इसको जल्दी करने का तरीका क्या है मैं वो बता रहा हूँ। अब कॉमन सेंस यूज करना, देखो कहीं कहीं पे 450 लिखा होगा, 32 लिखा होगा, मीनिंग दोनों का सेम है। ये नहीं कि अगर भैया हमने तो बोला था, भैया उसने तो बोला था कि 35 आएगा तभी ऐसा करना है ना, ये ट्रिक दोनों में काम करती है, मैंने देखा है, प्रैक्टिकली देखा है। और ये ट्रिक मैंने ही बनाई है, एक टाइप से समझ सकते हो, ठीक है, मैंने ही बनाई है, करना कुछ नहीं है, ठीक है। 5 की टेबल का है आइटम, 5 की टेबल से काट दो 9, 2 की टेबल का आइटम है तो 2 की टेबल से काट दो 16, 0 को हटा देना है, 1 0 होना चाहिए, 0 को हटा देना है, ठीक है। 0 नहीं होगा तो भी बताऊंगा कैसे करना, लेकिन 0 होना चाहिए, इस चीज के लिए 0 होना चाहिए, अगर आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो 0 हटा दिया, ठीक। 16 आया, 9 आया, इनकी मल्टीप्लाई कर दो 144, 332 का 45 करोगे तो भी 144 ही आएगा चाहे कैसे कर लो। ये ट्रिक हर जगह काम करती है। 37 दे रखा है, सॉरी 65 दे रखा है यहाँ पे, है ना, 28 दे रखा है, परसेंटेज दे रखा है, क्या चीज करना है, 5 की टेबल से काट दो, 2 की टेबल से काट दो, ठीक, समझ गए, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें आंसर आ गया है 142, ऐसे आंसर आया था, लेकिन 182 आंसर नहीं होगा, 18.2 होगा, क्योंकि यहाँ पे 0 था नहीं, इसलिए हमें पॉइंट लगाना पड़ा। ये कैसे होता है मैं प्रैक्टिकली आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ, नया पन्ना ले लेते हैं, क्योंकि ये वाला जो ट्रिक है वो काफी यूजफुल आई है आपके, क्योंकि ये देखो हर जगह आना है, ये जो मैंने क्वेश्चन बताया है परसेंटेज का वो हर जगह आना है, इसलिए आपका काफी काम आएगा ये चीज, ठीक है। 45% 320 करना है। यूजली हम क्या करते हैं, परसेंटेज आ जाता है, नीचे 0 का साइन लगाते हैं, 1 0 से 1 0 काटते हैं, ठीक, वो बता रहा हूँ मैं, ये 9 और 16 आया कैसे, है ना, मल्टीप्लाई करने के लिए आया कैसे, वो चीज बता रहा हूँ, सिंप्लीफाई ड्राइव, है ना, डेरिवेशन ड्राइव करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो 0 से 0 काटा, 5 की टेबल से 9 बार, 5 की टेबल से 2 बार, 2 की टेबल से 16 बार, ठीक, देख लिया आपने कैसे आया, एकदम ऐसे ही आएगा। अगर आपका दिमाग बहुत तेज है तो आप 33 को भी 2 से भी काट सकते हो, बहुत तेज दिमाग है तो, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि हाँ इवन नंबर होगा तो चीजें आसान होंगी, ऐसा नहीं कि ऑड नंबर के साथ नहीं हो सकता, हो सकता है, लेकिन ऑड नंबर के साथ आपको पहले इसको करोगे तो ये भी पॉइंट में आएगा, तो यहाँ को 9 लिखा होगा, मतलब 5 के टेबल का मल्टीप्लाई लिखा होगा, उसको मल्टीप्लाई करोगे वो भी पॉइंट में आएगा, इसलिए इवन नंबर से आसान बनता है, ठीक है। तो आप समझ गए ना, कोई भी परसेंटेज का वैल्यू लिखा होगा, 37 लिखा होगा, आपको निकालना है 320 का निकालना है, कुछ नहीं करना, 7 16 7 16 करोगे आपका आंसर आ जाएगा 102, 112। मैं भी भूल जाता हूँ भाई, ठीक है, 112 आएगा, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, ये एकदम ट्रिक थी मेरी, इन्वेंट करी हुई ट्रिक थी, मैंने ये चीज नोटिस करी है ना, जब भी मैं ऐसा करता था बार बार 0 लगाता था, है ना, स्पीड की धीमी आती है हमारी, 24 सेकंड के अंदर कर लिया, कैसे कर लिया, ये देखो 9 देखना ही नहीं कुछ नहीं, बस यहाँ पे देखा इवन ऑड लिखा, ऑड इवन लिखा है, 5 का मल्टीप्लाई लिखा है, 9 16 144 याद है, मल्टीप्लीकेशन याद है, यहाँ पे कितना 13 और 14 इनका मल्टीप्लाई किया था, 18.2 पॉइंट लगा दिया मैंने, 18.2 माइनस कर दिया, यहाँ पे कितना था 8, यहाँ पे कितना 3 बचा, 3 13 में से आ गया 5, 5.8 में ढूंढ रहा था, 5.8 एक ही जगह था, मैंने उससे सॉल्व कर दिया, ऑप्शन का भी यूज करा था, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नहीं तो हम लोग यहीं पर अटक जाएंगे। 2 नंबर्स का अब यहाँ पर देख लो, देख लेते हैं हम लोग। 2 नंबर का मैंने ये कैसे करा था, ये रेशियो वाला मेथड है, मैंने बताया ना आपको, अगर क्वांट करनी है बैंकिंग की तो आपको रेशियो और परसेंटेज
ठीक है, ये दोनों टॉपिक बहुत अच्छी तरह करने पड़ेंगे आपको, एकदम माहिर होना पड़ेगा इसमें, ताकि क्योंकि हर जगह काम आएगा ये रेशियो और परसेंटेज, हर जगह काम आएगा। परसेंटेज एक हिसाब से रेशियो ही होता है, 20% 1/5 होता है ना, जिसको परसेंटेज, वो परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करना आता है उसको पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। फ्रैक्शन फॉर्म होती है, मतलब 5.1, वो 5:1, ठीक। 20% कम मतलब 5 से 4 हो रहा है, 20% ज़्यादा मतलब 5 से 6 हो रहा है, ठीक। ये करंट वैल्यू है, ये उसकी नेक्स्ट वैल्यू है, जो भी बोलेगा वो इस हिसाब से होता है। पर आगे बढ़ते हैं, दो 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 नंबर दे रखे थे इसमें, 17 और 26 दे रखे थे, दोनों में +8 होना था, रेशियो वाला क्वेश्चन है। फिर ये 2 और 3 हो रहा था, ये बेसिक, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, एकदम बेसिक क्वेश्चन, जिसको रेशियो अगर सीखना है तो ये बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। दोनों में +8 हो रहा है ना, दोनों में +8 हो रहा है, फिर ऐसा हो रहा है। इसको देखो करने का तरीके बहुत सारे तरह होते हैं, है ना। एक तो तरीका ये होता है, जो एकदम बेसिक तरीका, वो ये कहता है 7x + 8 16 26x + 8 = 2/3, फिर से एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी। आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन मैं डायरेक्ट करता हूँ, वो कैसे करता हूँ मैं बता देता हूँ आपको। मैं यहाँ पे जो इनका रेशियो का जो डिफरेंस होता है वो इक्वल कर देता हूँ, है ना। तो हमारी चीज़ें सेम हो जाएंगी। इसका कितना डिफरेंस आ रहा है, 3 और 9, 9 डिफरेंस आ रहा है, इसका 1 आ रहा है। क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 के ऊपर ले जाओ, 9 को नीचे ले आओ, 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 17 26 18 27। अब यहाँ पे देखोगे गैप, क्योंकि गैप सेम होगा, देखो गैप सेम होगा, यहाँ पे भी 1 का गैप आ रहा है, यहाँ पे भी 1 का गैप आ रहा है, रेशियो में ही सब है ना, रेशियो में सब एक्स की वैल्यू है। रियल में वैल्यू कितनी है, 8, तो 1 की वैल्यू 8 आ गई। अब जो आपको कुछ भी निकालना हो, 17 निकालना हो, 26 निकालना हो, 18 निकालना हो, 27 निकालना हो, कुछ भी निकाल सकते हो, 8 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये सब एक्स के टर्म में। इनका डिफरेंस निकालना हो, इनका मल्टीप्लीकेशन निकालना हो, इनका इसका अक्रॉस मल्टीप्लीकेशन निकालना हो, कुछ भी निकाल सकते हो जब आपको 1 की वैल्यू बदल गई है, ठीक है। रेशियो में ये चीज अच्छी होती है। इसका डिफरेंस पूछा था, डिफरेंस यहाँ पे 9 आ रहा था, 9 × 8 करेंगे 72 आ गया आंसर, ठीक। रेशियो का ये एकदम बेसिक क्वेश्चन था, मैंने आपको बता दिया करने का तरीका, ठीक है। हर बार ये होता है, ठीक, हर बार ये होता है, कभी कभार क्या होगा, बस कभी कभार क्या होगा, यहाँ पे वो चीज़ भी बता देता हूँ। जैसे सपोज करो मैं नंबर दूसरा ले रहा हूँ, 14 है और यहाँ पे 25 है, ठीक है, और यहाँ पे 5 है और यहाँ 8 है, ठीक है। ये समझ लो मिल्क एंड वाटर का रेशियो है, मिल्क एंड वाटर का रेशियो है। इसमें बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया कि कुछ वाटर ऐड करा है, कुछ वाटर ऐड करा है इस रेशियो में, तो जो रिजल्टेंट रेशियो आया वो ऐसा हो गया है। तो वाटर ऐड करा है ना, तो वाटर ऐड करा है तो ये सिमिलर होगा, है ना। वाटर ऐड करा है भाई, इसमें चेंज आएगा ना, इसमें चेंज होना, मिल्क में चेंज होना आएगा, तो 8 ऊपर मिल जाएगा, 14 नीचे मिल जाएगा, रहोगे ठीक है, काट दोगे तो ये 7 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4, तो 4 से मल्टीप्लाई इधर कर दोगे 100, ये हो जाएगा 35। तो ये चेंज आया है वो यही है, या तो निकाल दिया, देखो मैंने क्वेश्चन बनाया था इसलिए मुझे ध्यान नहीं दिया, ये चीज रेशियो है वो बड़ा कर दिया, यहाँ पे 8 5 कर दोगे तब जाके थोड़ा सा सेंस बैठेगा कि 35 में हमने कुछ ऐड किया, तभी तो 100 हो गया है, बाकी इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 56 आएगा, 14 चौके करोगे तो ये भी 56 आएगा, है ना। ये मिल्क सेम है, वाटर में तो कुछ ऐड हुआ है, तो जो क्या ऐड हुआ है वो 65 ऐड हुआ है, यही आपको बताना है। तो ऐसे करके भी कर सकते हो, रेशियो का जो बेसिक था वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग, डीआई है, डीआई बिल्कुल नहीं बताऊंगा, डीआई को आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ नहीं दे रखा है, वैल्यू दे रखी है, वैल्यू से आपको आंसर निकालना है। एवरेज मल्टीप्लीकेशन जो मैं खुद नहीं कर पाया, एवरेज 100 में से 100 का 100 सम था, उसको डिवाइड बाय 5 करना था, मैंने डिवाइड बाय 4 कर दिया, ठीक। यहाँ पे ये गलती कर दी मैंने जल्दी जल्दी में, ठीक, ये नहीं बताऊंगा मैं। ये क्वेश्चन यह बहुत तगड़ा था, मैंने इसको इसको मैं कभी बाद बताऊंगा, इसका मैंने एक तरीका देखा था यार, मैंने इसमें 208 मिनट लगा, 208 सेकंड लगा दिया, ऐसे इतना बड़ा क्वेश्चन था नहीं इसमें, ये कुछ क्वेश्चन को मैं स्किप करते हैं, हम लोग बाद में करेंगे कभी, है ना। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं एवरेज, है ना, एवरेज का क्वेश्चन देख लेते हैं। स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड निकालनी होती है तो आपको चाहिए टोटल टाइम, वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। यहाँ पे दे क्या रखा है, सुमिता, सुमिता जो है वो मार्केट जाती है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, गई वापस आती है 25% मोर स्पीड से, 25% मोर मतलब 1/4, मोर मतलब 4 से 5, पहले 4 से जा रही है अब 5 से आएगी, तो 50 किलोमीटर पर आवर। आपको इसकी एवरेज स्पीड बतानी है, आपको ना डिस्टेंस बताना, टाइम बताना, कुछ बताएगा, तो कैसे निकालोगे। तो सपोज कर लेते हैं हम लोग इसका एक कुछ एक जो इनका एलसीएम होता है वो मान लेते हैं कि 200, 200 मान लेते हैं, 200 कॉमन फैक्टर आ जाएगा इसका,
200 से अगर 200 डिस्टेंस है, एक ऐसे समझ लेते हैं 200 किलोमीटर दूर था भाई, 4 से करोगे तो 5 आएगा, है ना, 5 घंटा लेती है जाने में। इधर से करोगे 5 से मल्टीप्लाई, वो 5 डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 4 घंटा लेती है आने में, है ना। हमें क्या बताना है, तो एवरेज स्पीड बतानी है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, गई 200 आई 200 तो कितना हो गया 400, 5 4 9। जब इसको करोगे सॉल्व तो आपका 44.44 आंसर आ जाएगा। वो कैसे, क्योंकि एक 100/9 होता है 11.11, ठीक, 100/9 होता है 11.11, इंटू 4 करोगे तो आपका 44.44 आंसर आ जाएगा। तो ये होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और आपको ऐसे करके निकालना था, ये क्वेश्चन ऐसे करके सॉल्व होना था, मैंने ऐसे करके सॉल्व करा था। और अब आता है ये वाला इक्वेशन वाला क्वेश्चन, इसको क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो ठीक है, इसको भी बता देते हैं हम लोग आपको, वंस फॉर ऑल बता देता हूं मैं कैसे करते हैं। ये होता ये है, आपको साइन पता होना चाहिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक, ये साइन होते हैं। अब इसका इंटरचेंज होता है, ये होते हैं क्वेश्चन के साइन, जो क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे क्वेश्चन दे रखे हैं ना यहाँ पे, ऊपर वाले इक्वेशन में तो साइन है, लेकिन नीचे वाले इक्वेशन साइन है, प्लस माइनस का साइन है ना, प्लस माइनस प्लस का साइन है। अब ये साइन जो होंगे वो इंटरचेंज हो जाते हैं, वो कैसे होते हैं, साइन को इंटरचेंज करने के लिए ये आंसर के साइन है उनको। अब प्लस प्लस है तो ये चीज हो जाएगी माइनस माइनस, ठीक है, प्लस प्लस है तो ये चीज हो जाएगी माइनस माइनस, माइनस प्लस है तो ये हो जाएगी प्लस प्लस, प्लस माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगी, और माइनस माइनस है तो प्लस माइनस हो जाएगी। कैसे, इसकी एक ट्रिक है, देखो ये चीज जो है सबसे नीचे वाली उठ के यहाँ आ रही है, ठीक है, फिर ये उठ के इधर जा रही है, फिर ये उठ के इधर जा रही है, इधर जा रही है, फिर ये उठ के इधर जा रही है, ऐसे करके हो रहा है, ठीक है। तो जब भी प्लस प्लस आएगा उसके सामने माइनस माइनस होगा, जब भी प्लस माइनस आएगा उसके सामने प्लस प्लस होगा, ऐसे करके बना सकते हो, बना भी सकते हो। मैं तो क्या करता हूँ, सिर्फ यही चीज नोट करता हूँ, फिर बाद में जो भी प्लस प्लस होता है उसकी ऊपर वाली चीज देख लेता हूँ, उससे एक एक कदम ऊपर वाली चीज देख लेता हूँ। कोई भी चीज, कोई भी सिंबल आएगा उससे एक कदम ऊपर वाली चीज देखने नहीं है, वही आपके सिंबल्स आने हैं। माइनस माइनस है तो माइनस माइनस है तो प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस प्लस है तो माइनस माइनस हो जाएगा, ऐसे करके देखना होता है साहब। यही मैंने आपको क्रॉस में बता दिया कि हाँ ये साइन कन्वर्ट कैसे हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो सबसे नीचे वाला साइन ऊपर हो जाता है, इसके लॉजिक कुछ और है ना, जो मैथमेटिकल का लॉजिक होता है वो कुछ और है, लेकिन मुझे अभी उसके बारे में नहीं पता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्ट टाइम में, मतलब मैं ट्रिक्स कैसे इस्तेमाल करता हूँ उसमें, वो चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। तो साइन देख लेते हैं यहाँ पे, प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे लिखते हैं, फिर प्लस प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पे बोल नीचे दे रखा है प्लस और माइनस और प्लस का साइन दे रखा है, माइनस और प्लस का साइन दे रखा है, तो क्या होना चाहिए, प्लस प्लस होना चाहिए, जो उसके रूट्स आएंगे वो प्लस प्लस में आएंगे, ठीक है। तो 98 का रूट, अब क्या होता है कि एक्स की वैल्यू तो पता चल गई है ना, 49 है तो इक्वल टू प्लस का 7 माइनस का 7। ये चीज़ याद रखना, जब भी एक्स का स्क्वायर होगा तो दो दो वैल्यू आएंगी, इवन है, इवन पावर है तो दो वैल्यू आएंगी, एक्स क्यूब है तो सिर्फ एक वैल्यू आएगी, वो भी प्लस की आएगी, ये चीज़ ध्यान रखना बस, ठीक है। 98 है, 98 का अगर हम लोग तोड़ेंगे, हमें जोड़ के 21 लाना है, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये लाना है, तो 14 और 7 इनका मल्टीप्लीकेशन होगा 98 आएगा, इनका सम करोगे तो 20 21 आएगा। तो यही एक टर्म थी, अब इसको हम लोग कंपेयर करेंगे। कंपेयर कैसे करेंगे, देखते हैं कि कौन किससे बड़ा है, ये पूरी वैल्यू इससे बड़ी है या फिर ये पूरी वैल्यू इससे बड़ी है या फिर बड़ी छोटी है या फिर सी एन डी है ना, कैन नॉट बी डिटरमाइंड है, ये सब चीज़ें देखेंगे। तो 7 देखा, 7 जो है वो 7 के बराबर है लेकिन इससे छोटा है, ठीक है, तो बराबर और छोटा, सॉरी बराबर और छोटा ऐसे करके आ गया है ना, सॉरी छोटा ऐसे होता है, ठीक। ये देखेंगे, ये तो दोनों से छोटा है, ये भी छोटा हो गया। अब इसको देखेंगे, ये दोनों से बड़ा है, ये बड़ा हो गया, 7 इसके इक्वल है लेकिन इससे बड़ा है, ठीक। तो हमने सारी वैल्यू एक दूसरे के साथ कंपेयर करवा ली है, तो हमें सिर्फ एक ही साइन दिख रहा है, स्मॉलर इक्वल का, तो एक्स जो है वो वाई से स्मॉलर इक्वल है, हमारा राइट आंसर ऐसे करके आ गया, ठीक। ऐसे करके मैंने ये सारे करे हैं। और मैं फैक्टर कैसे करता हूँ, जो लास्ट होती है ना टर्म 72, इसमें 72 वाई की वैल्यू 72 रखी, इसको इसका फैक्टर करता हूँ, 9 और 8 का प्लस करेंगे 18 18 नहीं आएगा, 72 9 8, अठारह लाना है ना, मैंने क्वेश्चन में मतलब सॉल्यूशन में कुछ और कर दिया था मैंने, क्योंकि 9 और 8 ही लिखा था, 9 और 8 18 नहीं होता वैसे तो, 3 3 4 2 12 और 6 12 और 6 12 6 18 होता है, ठीक है। नीचे कितना आना था, नीचे कितना आना था, 4 4 और 2 है ना, 4 2 4 8 4 2 प्लस करेंगे तो 6 वैल्यू आएंगी माइनस माइनस की, ठीक।
ये सब वैल्यू कितनी आएंगी, सबकी माइनस माइनस आएंगी, सब प्लस प्लस है, सब माइनस माइनस हो जाएंगे, है ना। ये देखो बस ये देखना लास्ट में क्या है, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के सामने अगर माइनस माइनस दे रखा है, कॉन्सोनेंट के सामने माइनस माइनस दे रखा है तो उसकी वैल्यू आती है सी एन डी, है ना। मोस्टली इसमें यही होता है ना, प्री लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें हमेशा यही होता है कि जब भी यहाँ पे माइनस माइनस चीज दे रखी होगी तो उसका हमेशा आंसर सी एन डी ही होगा, ठीक है, हर बार यही होता है। मैं तो आज तक करके आया हूँ, आज तक मुझे कभी नहीं दिखा कि जब माइनस माइनस होता है उसका आंसर कुछ और होगा। जब भी कॉन्सोनेंट के सामने माइनस माइनस होगा तो इसका आंसर हमेशा सी एन डी आएगा। इसको आप इस मेथड से करके देख लेना, तब भी आपका सी एन डी आएगा। जब इसको मतलब बेसिक से करोगे तो भी सी एन डी आएगा, ये ट्रिक वाला बता रहा हूँ मैं, है ना। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम लोग, 49 पहुंचे हैं अभी, और भी बाकी है। यहाँ पे क्या है, एक्स का स्क्वायर है, फोर का स्क्वायर है, स्क्वायर का स्क्वायर कैंसिल, एक्स की वैल्यू फोर आ गई, है ना। इसमें स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स की वैल्यू फोर आ गई। इसमें माइनस प्लस नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया ना, इसलिए माइनस प्लस कुछ नहीं होगा। यहाँ पे क्या दे रखा है, एक्स माइनस वाई माइनस एट का स्क्वायर दे रखा है इज इक्वल टू 9, तो स्क्वायर रूट कर देगा तो एक्स 3 हो जाएगा, सॉरी वाई इज इक्वल टू 3 प्लस 8 हो जाएगा 11। तो यहाँ पे क्या बड़ा है, वाई बड़ा है, समझे। ऐसी चीजें करके होंगी, नहीं इसमें इसमें है, इसमें प्लस भी है और माइनस भी है, इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है। चलो खैर, ये जी मैंने यहाँ से पढ़ ली, नोटिस कर ली, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैंने कैसे करता है, इसको मैंने एक्सप्लेन नहीं करता, मैंने बोट एंड स्ट्रिंग का क्वेश्चन है। देखो बोट एंड स्ट्रिंग का जब क्वेश्चन आता है, वैसे तो मैंने अर्थमेटिक की दो वीडियो बना रखी है, उसमें मैंने पूरा बेसिक समझा रखा है कि हर एक क्वेश्चन का बेसिक क्या होता है वो बता रखा है। फॉर्मूला स्ट्रक्चर आप देख लो कि बोट एंड स्ट्रिंग में क्या होता है, बोट प्लस स्ट्रिंग, ठीक, स्पीड होती है, ठीक, डिस्टेंस सेम होती है, फिर अलग भी हो सकती है डिस्टेंस। ये डाउन स्ट्रिंग की डिस्टेंस है, ये अप स्ट्रिंग की डिस्टेंस है, ठीक है। और प्लस में ये हो जाएगा इज इक्वल टू टाइम, प्लस माइनस जो भी दे रखा होगा, ये बी प्लस एस आएगा, ये बी माइनस एस आएगा, ये होता है यूनिवर्सल फॉर्मूला। इसी से हर चीज ड्राइव होती है, एक टाइप से समझ सकते हो, इसी से हर चीज ड्राइव, जितने भी वैल्यूज होंगी यहीं से ड्राइव होंगी। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रखा है, स्पीड ऑफ बोट दे रखा है, स्पीड ऑफ बोट मतलब बी की स्पीड दे रखी है 16 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम बोल रखा है कि 12.5% है स्पीड ऑफ बोट की, तो 12.5% इसका निकाल लो, 12.5 की वैल्यू कितनी होती है 1/8, तो स्ट्रीम की वैल्यू है 1 और स्ट्रीम ऑफ बोट कितनी है 8, तो 8 यहाँ पे 16 है, तो ऐसे करके वैल्यू निकल आएगी 2, तो स्ट्रीम की वैल्यू आएगी 2 किलोमीटर पर आवर, है ना। 8 की वैल्यू 16, तो 1 की वैल्यू 2, है ना, एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी। रेशियो में कन्वर्ट कर लो या तो इसका 12.5 कर लो, आपकी दोनों तरफ से वैल्यू आ जाएगी। फिर क्या बोल रखा है, इफ हमें दोनों चीज़ बदल गई, हमें डाउन स्ट्रीम भी बदल जाएगी, डाउन स्ट्रीम कितनी हो जाएगी 18, अप स्ट्रीम कितनी हो जाएगी 14। ये डाउन स्ट्रीम हो गई, ये अप स्ट्रीम हो गई, ये स्पीड हो गई, है ना, ये तो पता ही है ना, एकदम बेसिक आपको पता ही है। क्या बोल रखा है बोट क्वेश्चन में कि बोट ट्रैवल करती है 3 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 5 किलोमीटर अप स्ट्रीम, उसके बाद उसका डिस्टेंस जो कवर कर रहा है उसका डिफरेंस निकालना है, तो मल्टीप्लाई करना है स्पीड इंटू टाइम, है ना, ये स्पीड है ना, स्पीड इंटू टाइम, ये कितना आएगा 54 आएगा, ये कितना आएगा 70 आएगा, इनका बीच का डिफरेंस 16, हमारा आंसर हो गया 16। एकदम बेसिक करके बता दिया मैंने क्वेश्चन कैसे सॉल्व करा है, सिंप्लीफिकेशन वही सिंप्लीफिकेशन आ गया, ये आपको खुद करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे भी वही चीज़ है, ठीक, 60 × 175 वही चीज, सेम चीज़ इसमें भी लगनी है, लेकिन जैसे इसमें 70 पूरा 25 का मल्टीपल, देखो 25 का मल्टीपल दिया तो बहुत अच्छी बात है, 25 का मल्टीपल कितने होते हैं, जो 125 होते हैं, 175 होते हैं, 150 होते हैं, 225 होता है, ना, ये सब क्या है 375, ये सब 25 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है। अगर दिख जाए तो आप ऐसे कर सकते हो, ये कटेगा 7 बार में, ये कटेगा 4 बार में, 25 जा, ये कटेगा 15 बार में, 15×7=35, ठीक। सिंप्लीफिकेशन है, जितना आप इवॉल्व करते जाओगे, जितना प्रैक्टिस करते जाओगे, पीडीएफ से प्रैक्टिस करते जाओगे, उतना आप इवॉल्व होते जाओगे, है ना। क्वेश्चन आप खुद बना लोगे, खुद क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, खुद आपके पास ट्रिक्स भी आ जाएंगी क्वेश्चन सॉल्व करने की। सब में वो चीज़ दे रखी है, इसमें भी वो चीज़ दे रखी है ना। देखो इसमें क्या दे रखा है, 2800 / 35, सबको 7 का डिविजिबल है, इंटू 2 करना है, प्लस 9 करना है, 7×5=7, तो 400/5 80 × 2=160, 160 + 9=169, 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का स्क्वायर, तो वही चीज इसमें पूछी गई, ठीक है।
हाँ, अब ये वाला क्वेश्चन है, इसको कैसे, उस क्वेश्चन को मैंने अलग तरीके से करा है, मतलब बेसिक तरीके से जो होता है वो उससे नहीं करा है, मैंने अपने तरीके से सॉल्व करा है। क्या बोल रखा था इसमें, सिमी और मिली की ये एवरेज एज दे, एवरेज वेट दे रखा है 19, एवरेज मतलब दोनों कर दोगे तो एक्चुअल वेट आ जाएगा। मिली और दीपा का दे रखा है 48, दे रखा है 24, मतलब एवरेज तो 48, बाकी एवरेज दीपा का दे रखा है और सिमी का दे रखा है 23, तो मतलब 46, ठीक। और उसने बोला है कि वेट ऑफ दीपा कितना है ना, दीपा का वेट कितना है, कैसे निकालोगे। मैंने कैसे निकाला था, इसमें से किसी में डी की वैल्यू रखी, एम और एस की वैल्यू आ जाएगी, एम और एस की वैल्यू यहाँ रख के सेटिस्फाई करा देंगे, आंसर आ जाएगा। मैंने ऐसे करके निकाला है, ठीक है। सबसे पहले मैंने डी की जगह 18 रखा, ठीक, 18 में से 18, 48 में से 18 करेंगे तो एम की वैल्यू आ जाएगी, है ना, कितनी आ गई, एम की वैल्यू 30 आ गई, एम की वैल्यू इधर से 30 है तो 8, एस की वैल्यू 8 हो जाएगी, है ना। यहाँ पे डी और एस मतलब 18 + 8 46 होना चाहिए, यहाँ पर कितना रहा है, 26 आ रहा है, ठीक। तो ये 18 तो वैल्यू नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता लगा कि हाँ 8 ही होगा, तो भी 6 इधर आ सकता है, तो मैंने 8 वाली और वैल्यू चेक करी तो 28 था। डी की वैल्यू 28 रखी, एम की वैल्यू 20 आ गई, एम की वैल्यू इधर 20, तो यहाँ पे आ गया 18, ठीक है। तो एस की वैल्यू यहाँ पे 18 है, डी की वैल्यू 28 है, इन दोनों को प्लस करा तो 40 से आ गया। ये मैंने ऑप्शन से करा, हिट एंड ट्राई मेथड, ठीक है। इसका बेसिक आप देख सकते हो, लेकिन जो मैं, जैसा मैंने करा है मैंने वैसे बता दिया, ये अटेंट ही नहीं करा था, ये वाले मैं क्वेश्चन बताऊंगा नहीं क्योंकि मैंने उसमें बता दिया था। हाँ, ये क्वेश्चन मेरा रह गया था, और ये क्वेश्चन मैं देखा था काफी इजी था, ये तरीके से जैसे इन लोगों ने बताया एकदम बहुत इजी तरीके से बताया, मैं उसी को दिखा देता हूँ। यहाँ पे 120 दे रखा है, यहाँ पे स्पीड दे रखी है, स्पीड का रेशियो निकालोगे यहाँ पे हो जाएगा 3 और 4, स्पीड का रेशियो, स्पीड का रेशियो डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा इसका अपोजिट, है ना, डिस्टेंस का रेशियो अपोजिट है ना, क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है ना, स्पीड का रेशियो कुछ और है तो डिस्टेंस का अपोजिट हो जाएगा, टाइम का भी डिस्टेंस का अपोजिट हो जाएगा, तो डिस्टेंस हो जाएगा ऐसा कि हाँ भाई ट्रेन ने 4 डिस्टेंस कवर करा, इसने 3 करा, और इनका डिफरेंस जो है, किसी ने एक एक ने ज़्यादा करा है ना, एक ने ज़्यादा ज़्यादा करा है, एक की वैल्यू 74 आ गई, इतना ज़्यादा करा है, 74 ज़्यादा करा है, हमें निकालना है टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो 7 सिंपलीफाई कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी, तो एक रेशियो में 1:74, 4 + 3 टोटल टोटल डिस्टेंस 7, 7 × 74 करोगे तो आपका टोटल डिस्टेंस आ जाएगा जो यहाँ पे दे रखा है, क्योंकि 8 कंप्लीट में आना ही है। ये देखो यहाँ पे इन्होंने भी ऐसे ही एग्जैक्ट बता रखा है, एग्जैक्ट क्या इन्हीं का मैंने कॉपी करके आपको बताया, आप इसका भी सॉल्यूशन देख सकते हो। तो आज की जो क्लास है, क्वांट की जो ट्रिक्स थी, जो मैंने जितना भी मुझे आपको बताना था, जितना मुझे आता है ना, वो मैंने आपको सब बता दिया है, जो मेरे तरफ से सॉल्यूशन है, मेरा पीओवी है ना, पॉइंट ऑफ व्यू। ये मत कहना कि भाई ऐसा नहीं होता है, इसके लॉजिक अलग होते हैं, ऐसा देखो यहाँ पर लॉजिकल मैं बता नहीं रहा हूँ, यहाँ पे सब क्वेश्चन कैसे करना है सॉल्व, आपको पास कैसे होना है, आपको मार्क्स कैसे गेन करने हैं, वो बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपको पढ़ना है तो टीचर से भी पढ़ सकते हो, लेकिन कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि हाँ भाई मैथ के लिए आप कैसे सॉल्व करते हो, हमको एक बार बता देना, ब्रीफली बता देना, तो मैंने यहाँ पर ब्रीफली बता दिया, क्योंकि लाइव मॉक में इतना मैं बता नहीं पाऊंगा, इसलिए मैंने यहाँ पे एकदम परफेक्ट तरीके से बता रखा है। बाकी जो मैंने 2 अर्थमेटिक की क्लासेस या फिर वीडियो बनाई है, वो मैं यहाँ पे पिन कमेंट में लगा दूंगा, आप लोग उसको भी जाकर देख सकते हो, क्योंकि उसमें एकदम बेसिक है, ठीक है। यहाँ पर मैंने फास्ट तरीके से बताया है, बाकी आपको ये लाइव मॉक टेस्ट देना है तो उसकी भी वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर कहीं पर यहाँ पे मेंशन होने लगेगी, आप वहाँ पे जाके उसको देख सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई मीट यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन वर्क हार्ड एंड स्टे मोटिवेटेड, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।